सुहाग पड़वा पर नई पेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में हजारों की संख्या में महिलाएं सिंदूर लेने के लिए पहुंची। सुहाग पड़वा पर नई पेठ स्थित गजलक्ष्मी मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हजारों की संख्या में सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए माता रानी से प्रार्थना कर सिंदूर लेने पहुंची। मंदिर पुजारी पंडित आकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गजलक्ष्मी मंदिर प्रतिवर्ष सुहाग पड़वा पर सुहागन महिलाओं को माता रानी के चरणों से साल भर जो सिंदूर जाता है वह सिंदूर सुहागन महिलाओं को पति की लंबी आयु व घर में ऐश्वर्य के लिए बांटा जाता है, जिसे पुजारी परिवार साल भर एकत्रित करता है और दीपावली के अवसर पर पूजन अर्चन कर सुहाग पड़वा पर वितरित किया जाता है। लगभग 2 लाख महिलाओं को सिंदूर वितरित किया गया, जिसे लेने के लिए बड़ी संख्या में सुहागन महिलाएं पहुंचती हैं। दिवाली के पंच दिवसीय महोत्सव में आज सुहाग पड़वा का दिवाली का दूसरा दिन है। यहाँ बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए माता का सिंदूर लेने आती है, माता का सुहाग मांगती है ताकि उनका सुहाग अखंड रहे। साल भर में मंदिर में जितना भी एकत्रित कुमकुम है उसकी विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाओं को अखंड सुहाग के रूप में दिया जाता है। प्रातः 4 बजे से महिलाएं चलो आपका नाम बताओ पुजारी होते हैं।